सो गाइस ये रहा यार KTM का शोरूम, ये सेकंड फ्लोर पे है देख सकते हो आप। अभी यहाँ से जाके मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा भैया के साथ, तो देखते हैं भाई कितना भागती है और लीन वगैरह भी चेक करेंगे हम इसकी। तो बेस्ट बाइक है आज ही वाली, तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। तो अभी न्यूट्रल पे ये फर्स्ट गियर पे डाल देता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आज यार मैं आया हूँ जम्मू यार, आज हम जाएंगे KTM के शोरूम। भाई ने KTM 390 लेना है तो उनके साथ मैं आया हुआ हूँ, और अपना भी जो काम है यार आज हम जम्मू के बजाज शोरूम में जाके पता करेंगे अपनी RS का यहाँ पे RS अवेलेबल है या नहीं है। उधमपुर में तो उन्होंने मना कर दिया था, अभी यहाँ जाके हम खुद आज चेक करेंगे यहाँ पे RS अवेलेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पे हुआ तो भाई फिर हम देखते हैं, हम यहीं से ले लेंगे। तो आज देख सकते हो आप मैं अभी कौन सी जगह पे हूँ, सिद्रा जो जम्मू का यार आपको पता है मशहूर एरिया जहाँ पे सारे राइडर आते हैं। और नीचे देख लो अभी भी यार आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे भी गाड़ी वगैरह लगी हुई है, ऑफ रोडिंग चल रही है। तो अभी निकलते हैं हम यहाँ से आगे। सो फाइनली गाइज हम पहुँच गए हैं यार जम्मू अभी KTM के शोरूम के बाहर। तो मेरे पीछे चल रहे हैं अभी भैया, अभी हम गाड़ी पार्किंग में पार्क करके आए हैं। तो अभी जाते हैं अंदर और देखते हैं यार बाइक का क्या सीन रहता है। फॉर्मेलिटी वगैरह तो भैया ने कंप्लीट कर ही दी थी, उन्होंने अभी सिर्फ शायद आधे एक घंटे तक बाइक निकल जाएगी। सो गाइस ये रहा यार KTM का शोरूम, ये सेकंड फ्लोर पे है देख सकते हो आप। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। तो ये हुंडई वालों का शोरूम है देख सकते हो आप। ओ भाई कार देखो ब्लैक कलर में कैंट लग रही है। गाइस ये रही भैया की बाइक, आप देख सकते हो यार बाइक की लुक चेक करो आप, जहर लग रही है यार देख रहे हो। तो भैया अभी फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कर रहे हैं उधर देखो, तो तब तक मैं आपको इस बाइक के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, आप वो एंजॉय करो। तो आप देख सकते हो यार अंदर यहाँ पे 250 200 390 RC और 200 RC वगैरह सब बाइकें लगी हुई हैं। यहाँ से जाके मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा भैया के साथ, तो देखते हैं भाई कितना भागती है और लीन वगैरह भी चेक करेंगे हम इसकी। तो बेस्ट बाइक है आज का, तो हो गया। इधर अंदर का आप चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो आप यार बाइक, ये ऑफ रोडिंग वाली बाइक है KTM की 250, ये चेक करो आप। तो बाकी मैं आपको ये दिखाता हूँ RC 200, ये लगी अपनी RC 200, इसका कलर सही है यार चेक करो आप, सिल्वर ऑरेंज कलर है ये, कैंड लग रही है। तो ये रही अपनी ड्यूक 200, तो ये लगी है ड्यूक 200 अपनी देख सकते हो आप। तो बाकी यार 390 आज मैं सेकंड टाइम चलाऊंगा, ये न्यू मॉडल तो अभी तक मैंने खुद नहीं चलाया, अभी आज चेक करते हैं इसका क्या सीन रहता है। तो देख सकते हो आप अभी बाइक भैया लगे हुए हैं सेट करने के लिए, तो बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे बाइक लेके। यहाँ लग गई है बाइक की नंबर प्लेट देख सकते हो आप, ये है बाइक का नंबर। तो भैया अभी पीछे वाली नंबर प्लेट बस लगा ही रहे हैं, तो ये भी लग ही गई देख सकते हो आप, बस लगने वाली है। सो गाइज ये हो गई पीछे वाली नंबर प्लेट भी सेट, तो बस अब थोड़ा सा बचा है यार भाई, बाकी पेमेंट वगैरह तो भैया ने सब कर दी है। तो बस अभी यहाँ से हम निकलेंगे बाइक लेके, तो बाइक की लास्ट लुक आप यहाँ पे चेक कर लो यार, जहर लग रही है यार देख रहे हो। इसको बोल सकते हैं भाई पैसे खर्चे हैं तो भाई कुछ दिख भी रहा है, देख लो। कमेंट करके बताना कि यार आपको ये बाइक कैसी लग रही है। तो भाई के चेहरे पे खुशी देख सकते हो आप यार, भैया कैसा लग रहा है, सही है सही है। ये बाइक की भाई की का साइज देख रहे हो आप, एक नंबर यार। तो हो गई भैया के हाथ में हैंडओवर बाइक देख सकते हो आप, यार स्माइल करो थोड़ी, क्या कर रहे हो आप। तो गाइज आ गई है बाइक रोड पे देख सकते हो आप, अभी यहाँ से निकलेंगे हम आगे। वो खुद इनिशियल जगाती है बंदे को, खींच लो कितना खींच, मतलब हाईवे वगैरह पे दे देगी ये 25, तो सिटी में 15-20 के बीच। तो गाइज अभी फर्स्ट राइड मैं ही लेने वाला हूँ इसकी, भैया कह रहे हैं आप चलाओ। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे इसको लेके, भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइक है यार, तो क्या बताऊँ मैं आपको। मेरी भी आज इस पर सेकेंड राइड है, फिलहाल तो मैंने नई वाली चलाई नहीं है, आज मैं भी ये फर्स्ट टाइम चलाने वाला हूँ नई वाली। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। तो अभी न्यूट्रल पे ये फर्स्ट गियर पे डाल देता हूँ, तो निकलते हैं यहाँ से। ट्रैफिक देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर भाई,
इतने ट्रैफिक में हमें चलने की आदत है नहीं, तो निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई यार पावर क्या आ रही है यार, एकदम फील आ रही है इसको चलाने में। तो गाइस अभी थोड़ा खींचते हैं इसको हम और देखते हैं पिकअप वगैरह। ब्रेकिंग हो भाई, एक नंबर ब्रेकिंग है यार कसम से, क्या बताऊँ मैं आपको। ओ यार कटिंग देख रहे हो आप इसकी। गाइस मेरा भी यार थोड़ा मूड चेंज हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ आरसी 200 ले लें हम भी, क्योंकि आरएस की बहुत ज़्यादा वेटिंग है। तो आरसी की अभी हम भैया से बात करके आए थे, वो कह रहे थे आरसी आपको मतलब जल्दी मिल जाएगी, तो आरसी की ज़्यादा वेटिंग तो है नहीं। तो बाकी तो मैं भैया के साथ बात करके आया हूँ, अभी आज हम यहाँ से उधमपुर जा रहे हैं, तो कल मैं शोरूम जाके उनके साथ बात कर लूँगा भाई का। अगर उन्होंने बोला कि भाई अभी ओवर टाइम लगेगा तो हम करेंगे अपनी बुकिंग कैंसिल, और उसके बाद हम भी आरसी 200 लेने का सोचेंगे। देखते हैं फिर बाकी का आगे क्या सीन रहता है। मन तो मतलब मेरा भी हो गया है कि भाई आरसी 200 ही ले लें, लुक के मामले में भी भाई एक नंबर बाइक है, और कंट्रोल की बात करें तो इसके बराबर मुझे नहीं लगता यार किसी और बाइक का कंट्रोल होगा। बहुत ही ज़्यादा सस्पेंशन इसके इतने मस्त हैं इसके यार, जहाँ ब्रेक मारो यार वहाँ ऐसे मतलब बिल्कुल बाइक ना रुक जाती है। तो देखते हैं यार अगर आज कल तक मतलब वहाँ पे बात करके अगर नहीं बना कुछ आरएस का, तो हम भी आरसी 200 का सोचते हैं फिर बाकी का। चलो मिलते हैं आपको, अब फ्यूल अप करवाना है इसका। उन्होंने फ़िलहाल तो एक लीटर तेल दिया है, और आपको पता है 390 है, तो यार एक लीटर में कितना ही चल लेगी। पहले करवाते हैं हम फ्यूल अप और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। तो मिलता हूँ आपको थोड़ा आगे चल के, तब तक आप ब्लॉग पे बने रहो। ओ भाई कब देख रहे हो इसका आप, एक नंबर। तो थोड़ी सी कटिंग वगैरह देख लेते हैं, चेक करते हैं। गाइस बहुत यार पिकअप के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आ गया भाई नाका, ऐसा ना हो हमें भी यहाँ कोई मिल जाए, आपको पता ही है ना, हेलमेट पे वो दिखा नहीं तो चल भाई। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यार इधर पेट्रोल पंप पे, तो अभी हम करवाते हैं इसका फ्यूल अप। तो गाइस देख सकते हो आप अभी हो रहा है फ्यूल अप, तो जल्दी से करवाते हैं फ्यूल अप, और भाई आगे की आपको राइड दिखाते हैं, बहुत मस्त होने वाली है। तो यार जो ब्लॉग पे नए हो तो यार जाके कर दो यार चैनल सब्सक्राइब, इतना टाइम मत लगाया करो, इतना आपने देख लिया तो अभी पहले करो आप चैनल सब्सक्राइब, बाकी राइड आप बाद में देखना। तो ये हो गया फ्यूल अप यहाँ से, और हम निकलते हैं यहाँ से आज। ये देखो भाई रेडी टू रेस, तो चलो भाई हम भी रेडी हैं रेस के लिए, निकलते हैं यहाँ से हम। तो गाइज राइड करने का सही मज़ा भी यार जम्मू में ही है, क्योंकि यार ट्रैफिक में ही राइड का मज़ा होता है, खाली रोड में क्या ही राइड करनी है। तो अभी हम पहुँच गए हैं वापस हाईवे पे, यहाँ से अभी हम जाएंगे पहले गुम्मट, भैया के लिए न्यू हेलमेट लेनी है, तो अभी हेलमेट है नहीं फ़िलहाल, न्यू हेलमेट लेके फिर आगे निकलेंगे हम यहाँ से, पहले चलते हैं हम गुम्मट। तो गाइज यार अगर मैं बात करूँ इसके कंफर्ट की, तो यार पुरानी वाली आरसी से ना इसका बहुत ज़्यादा कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये उतनी बैंड नहीं है जितनी वो पुरानी वाली आरसी बैंड थी यार। तो उस चीज़ का केटीएम वालों ने ना बहुत अच्छा ध्यान दिया है भाई, तो ये चलाने से मतलब बैक में पेन भी नहीं हो रही है। पुरानी वाली भी मैंने चलाई है, उसमें बहुत पेन होती थी बैक में वो चलाने से। तो अभी हम इधर से निकल रहे हैं यार गुम्मट वाली साइड, जल्दी जल्दी निकलते हैं यार, क्योंकि अभी घर भी जाना है तो लेट हो जाएंगे हम। बस कोई नाका ना मिल जाए यार बीच में। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं यार इधर गुर्जर नगर ब्रिज पे, तो दूसरी साइड यार रोड का काम चल रहा है देख रहे हो आप। तो इस साइड से ही मतलब वन वे नहीं है ये, अभी टू वे बन चुका है, तो ट्रैफिक देखो आप, तो इसकी तो सही में हालत ख़राब है भाई। इधर ये देखो खड्डे चेक करो आप, इसलिए यहाँ ठीक कर रहे हैं। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा पावर है यार, बहुत ही ज़्यादा पावर, बिल्कुल नॉर्मल सा भी यार रेस को ऐसे करने पे भी बाइक झटका दे रही है, ऐसे पीछे की तरफ धकेल रही है, तो पावर का मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, एक नंबर पावर है। अभी तक मैंने बिल्कुल मतलब खींची नहीं है ये, जिस हिसाब से खींचनी चाहिए अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया इसको खींचने का, तो वो भी हम आगे करेंगे जब हम हाईवे पर पहुँचेंगे, फ़िलहाल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सिटी में वो ट्रैफिक पुलिस भी कहीं मिल जाएगी तो ऐसी कोई सीन हो जाएगा, आज भाई की नई गाड़ी है तो आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सब हम बाद में करेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं यार गुम्मट,
तो यहाँ से हम जाएंगे भैया के पास, उनसे मैंने पहले भी एक हेलमेट लिया हुआ है तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। तो सही रेट पे भैया हेलमेट देते हैं, हम और कहीं नहीं जाएंगे यार जिनसे मैंने पहले लिया, हम डायरेक्ट उन्हीं की शॉप पे चलते हैं। तो भैया की शॉप कौन सी वाली थी ये बंद? अरे बंद है। तो गाइज़ यार अभी हम हो चुके हैं लेट यहाँ से घर जाने के लिए, तो मैंने जॉब पे भी पहुँचना है। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो पीछे देख लो भैया की बाइक लगी है, तो भैया खुश बहुत हैं आज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक कमेंट शेयर। तो ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।